Everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you a simple party eye makeup look with winged eyeliner. So, अगर आपको देखना है कैसे इस look को आप create कर सकते हो, then please keep on watching. Product का link मैं description box में दे दूँगी, वहाँ से आप check out कर सकते हो. So, let's start with today's video. सबसे पहले start करूँगी eyeshadow base से, उसके लिए मैं एक concealer use कर रही हूँ. So, यहाँ पे मैं use की हूँ Huda Beauty का concealer. आई एम इन दी शेड 12G. तो आपके पास कोई भी कंसीलर हो जो कि स्किन टोन से काफी मैच होता हो तो वो आप यूज कर सकते हो एज योर आई शेडो बेस. ये एक्चुअली सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ब्राउ बोन पे एक मैट व्हाइट शेडो को अप्लाई कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छा हाईलाइटिंग इफेक्ट मिलेगा. इसके बाद मैं यूज करूंगी पैलेट. फॉर दैट आई एम यूजिंग मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी. बहुत ही अच्छा एक पैलेट है. तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगी एक ट्रांजिशन शेड. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पीचीस ब्राउनिश कलर. उसके बाद थोड़ा सा डार्कर मॉव कलर को यूज करूंगी आउटर वी पे. सो स्मॉलर शेडिंग ब्रश के साथ मैं कलर को प्लेस करूँ एंड एकदम हल्का, जब ब्रश में कलर रहे तब मैं उसको क्रीज पे भी अप्लाई करूंगी. बस थोड़ा सा मुझे क्रीज पे लेके जाना है, बहुत ज्यादा डार्कन नहीं करूंगी क्रीज के पोर्शन पे. इसके बाद अगेन मैं ट्रांजिशन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी शेडो को. इसके बाद मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा जो कलर देख रहे हो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसमें ना बहुत फाइन ग्लिटर पार्टिकल है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है. इसको मैं एक फ्लड ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ. सो फ्लड ब्रश के साथ ठीक ठाक पिगमेंटेशन आपको मिलेगा, बट अगर आप फिंगर से अप्लाई करोगे शेडो को तो और अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा आपको. सो यहाँ पे आप ब्लैक बेस भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा पॉप करता है इस टाइप के शेडोज. सो यहाँ पे मैं बेस के लिए कुछ यूज नहीं की हूँ, बट यू कैन सी राइट कितना अच्छा ये पिगमेंटेशन दिया है. तो मैं फिंगर एंड ब्रश दोनों के साथ अप्लाई की हूँ शेडो को. इसके बाद आउटर वी के कलर को फिर से थोड़ा सा इंटेंसिफाई करी बिकॉज वो फेड आउट हो गया था. और उसके बाद मैं ट्रांजिशन शेड के साथ भी थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी. इसके बाद मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. फॉर दैट आई एम यूजिंग टू फेस का बेटर देन सेक्स आईलाइनर. ये आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है. इसका जो एप्लीकेटर है बहुत थिन है, सो आप इसके साथ लिटरली थिनेस्ट आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो. बहुत ईजी है इसके साथ लाइनर ड्रॉ करना भी, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आप अगर अफोर्डेबल साइट का कुछ लेना चाहते हो देन यू कैन ट्राई स्विस ब्यूटी का लाइनर. बहुत अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जो कि आपको 300 के रेंज पे मिल जाएगा, बट ये लाइनर भी बहुत अच्छा है. यू कैन ट्राई डेफिनेटली दिस वन ऑल्सो. नेक्स्ट इसके बाद मैं काजल के लिए यूज कर रही हूँ मेबलिन का टैटू स्टूडियो काजल. अपने वाटर लाइन पे यहाँ पे यूज की हूँ. आउटर वी के शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज, थोड़ा सा स्मोक की इफेक्ट देने के लिए. एंड फर्दर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी विद दैट पीची शेड. इसके बाद हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड मोल्टेन गोल्ड. इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी विद दिस. मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लेजिड लैशेज मस्कारा. इसमें वॉल्यूम एंड लेंथ दोनों साइड मिलता है. अमेजिंग प्रोडक्ट, आई लव दिस मस्कारा. सो मैं एवरी डे पे ना इसी मस्कारा को यूज करती हूँ बिकॉज एवरी डे पे आप फॉल्स आईलैशेज नहीं अप्लाई करते हो और बहुत अच्छा ये फॉल्सेस का इफेक्ट देता है. एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक. मैंने यहाँ पे फोर्स आईलैशेस भी अप्लाई किया है आई लुक को कंप्लीट करने के लिए. सो आई होप आपको ये ओवरऑल आई मेकअप पसंद आ रहा होगा. और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया.